प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को लेकर प्रशासन सहित सूबे के लोगों के द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके तहत जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र निहरी में नशा छोड़ो खेल खेलो क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शिमला ग्रामीण के विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रम आदित्य सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशा समाज में जड़ की तरह फैल चुका है, जिसको हम खेल के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो हमारा मानसिक और शारीरिक विकास करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुर्गम क्षेत्रों में अगर इस तरह की प्रतियोगिता करवाई जाए तो जहां युवा नशे से दूर रह सकते हैं, तो वहीं युवा अपने प्रदेश और देश की टीमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। यहां पे जो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहां पे स्थानीय युवाओं ने किया है, उसमें शिरकत होने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेल के उससे तो है ही है, पर उसके साथ साथ जो प्रदेश में जो नशा बढ़ रहा है, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है और युवा वर्ग उसमें जो नशे की चपेट में आ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम एक ही नारे के साथ आगे बढ़ते हैं कि नशा छोड़े और खेल खेले। कोई भी खेल हो, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में जगह की कमी होती है, ग्राउंड की कमी होती है, चाहे वॉलीबॉल है चाहे कबड्डी है, हमको हर खेल को बढ़ावा देना है ताकि युवा वर्ग जो है वो नशे की चपेट से बाहर आए। सुंदरनगर से उज्जवल हिमाचल के लिए उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।